Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting on it. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक हो आपका विशाल ब्लॉग जर्नल चैनल पे। आज अपन लोग एक नई जर्नी लेके आए भाई, इंटरसिटी स्मार्ट बसेस के साथ। भाई जर्नी हम लोग कर रहे हैं आज अपने इंटरसिटी स्मार्ट बसेस से अपने कश्मीरी गेट यानी अपने दिल्ली से लेकर अयोध्या तक अपनी बस, और जर्नी हम लोग शुरू करते हैं अपने कश्मीरी गेट से। और बाकी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम कोई बस ब्लॉग आ रहा है तो आप इंजॉय ज़रूर कीजिए। और यहाँ तक हमें क्लिक करके देख लिया था भाई, एक लाइक सब्सक्राइब करके ही भाई बढ़िएगा वीडियो में। बाकी चलिए इंजॉय कीजिए दोस्तों। यहाँ पर है अपना इंटरसिटी स्मार्ट बसेस का वेटिंग लाउंज, और ये खड़ी है अपनी इंटरसिटी स्मार्ट बस। तो भैया यहाँ का गाड़ी का डिपार्चर है 9:15 और अभी 9:10 हो चुके हैं। और भाई साहब इसका फेयर मुझे लगभग 500 रुपये पड़ गया एक पर्सन का, हम लोग तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लगभग 1500 पड़ गया। और वो बाकी चलिए मिलते हैं बस के डिपार्चर पे अपने कश्मीरी गेट की तरफ से। भाई सब बैग अंदर रखवा दिए भाई, अपने कोरी ट्रैवल्स। ये भाई बस का इंटीरियर, और ये है भाई अपने ड्राइवर भाई आज के। ये चलेगी अपनी आज अपना सिटिंग कम अपना स्लीपर बस है भाई ये, ठीक है। और अब आज अपन की सीट है भाई, यहाँ पर रिक्लाइनर दिया गया है और रिक्लाइन होती है अपनी ये सीट। और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट और साथ में मोबाइल होल्डर दिया गया है, रख सकते हो आप मोबाइल वगैरह। और यहाँ पर एसी वेंट्स, ठीक है। और इस तरफ बताऊँ तो भाई यहाँ पर बॉटल होल्डर और यहाँ मैगजीन वगैरह होल्डर, और ये लेग रेस्ट, ठीक है। ये इंटीरियर और स्लीपर का मतलब सिटिंग्स का और अपना स्लीपर का दिखाया मैम को, सिटिंग विद मतलब जाएंगे अयोध्या तक, ठीक है भाई। स्लीपर मिला नहीं, ये अपनी केबिन व्यू देख सकते हो, डिस्प्ले वगैरह है ना, और कुछ अलग अलग सेटिंग्स है यहाँ पर एसी वगैरह के फ्रेंड्स की। गाड़ी निकल चुकी है फिलहाल कश्मीरी गेट से, बाहर निकल रहे अभी। भैया माउंटेन ड्यू पी के चले रहा है भाई, गाड़ी निकलते ही भाई जाम शुरू। कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर। डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पानी का बॉटल एक हाफ कप लीटर का, ठीक है। वाटर आ चुकी है अपनी पतंजलि की दिव्य जल है ना, और ये है भाई प्राइस इसका है भाई कितना, 10 रुपये का प्राइस है हाफ लीटर बॉटल के पतंजलि की दिव्य जल। और ये दिव्य जल पी के दिव्य हो जाते हैं भाई, है ना भाई। चलते हैं और केबिन राइड करवाते हैं, मेरे को तो सब्र नहीं हो रहा भाई, केबिन राइड में मज़ा आएगा। और अपने जो ड्राइवर साहब है एक राजू भैया, और एक नाम पता नहीं अभी पूछ के बताऊँगा आपको भाई, मज़ा आ जाएगा एकदम। बॉटल ऐसे रख सकते हो यहाँ पर है ना, के लिए 20 मिनट तक रुकेंगे, कृपया समय पर लौट आए। यात्रीगण से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने कीमती सामान की देखभाल करें और उन्हें अपने साथ ले जाएं। यात्रियों के सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए इंटरसिटी जिम्मेदार नहीं होगा, धन्यवाद। तो आ चुके हैं भाई पहले हॉल्ट अपने, ये अपना यमुना एक्सप्रेस वे। और भाई गाड़ी एकदम मक्खन है भाई, नींद आ गई थी मेरे को, थोड़ा बहुत सोया मैं। और भाई देख सकते हो अपनी इंटरसिटी बस स्मार्ट पहला हॉल्ट, ठीक है ना, मस्त वाला। और बाकी ये है अपना रुद्र शिवा भाई मामा यादव, बाकी पूरा यादव होटल से है भाई, और प्रीमियम है भाई देख ही सकते हो बाहर से आप, ठीक है। और बाकी ये अपनी इंटरसिटी बस सिटिंग में हमने तो लिया था भाई, तो थोड़ा बहुत मैं अभी सोया हूँ, ठीक है। तो ऐसा हाल है भाई मेरा, दिल्ली से लेकर लगभग अयोध्या 680 या लगभग समझ लो 700 किलोमीटर है अपने वहाँ से, तो लगभग हम लोग सुबह 10 बजे तक पहुँचेंगे। अभी लगभग 12:30 1 बज रहे हैं अभी,
ठीक है, बाकी देखते हैं पहुंचने के बाद आपको बताते हैं कि भाई कितना कितना किलोमीटर हमने कवर किया अभी तक। बाकी इस गाड़ी में लगभग 500 लीटर का ये डीजल टंकी है भाई, और अपना ये बॉडी डिज़ाइन हुआ है भाई अपने जोधपुर राजस्थान में, ठीक है, और वहीं बसेस के जो अंदर इंटीरियर बनता है वहीं होता है। बोले अपने अपने कंडक्टर भाई से बात किए थे तो बता रहे थे भाई कि जोधपुर में इसका बॉडी बना हुआ है, तो ठीक है चलिए तक आ गए भाई। एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, ठीक है। तो दोस्तों वैसे अपनी गाड़ी है आईसर की और देख सकते हो अपनी बस, और बाकी ये गाड़ी है कोली ट्रेवल्स की, मतलब इसका कैसा होता है कोलैबोरेशन रहता है दोनों मिला के भाई, नाम ब्रांडिंग रहता है अपना इंटरसिटी बसेस का और ट्रैवल मतलब गाड़ी कोली ट्रेवल्स जैसे अभी ऐसे कोई सी भी रहती है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप दिव्या बस, और उस तरफ अपना ऑपरेटेड बाय बीटी ट्रेवल्स, तो ऐसा रहता है तो कोलैबोरेशन में चलता है भाई गाड़ी जैसे, और ब्रांडिंग रहती है अपनी इंटरसिटी बसेस की। तो यही है इंटरसिटी बसेस का फंडा, तो भाई अच्छा है कोलैबोरेशन में चलता है नाम उसका और फ़ायदा दोनों का, ठीक है ऐसा है। तो ठीक है बाकी चलिए यहाँ से निकलते हैं अपने और मिलते हैं आपको सुबह जहाँ नींद खुलेगी वहाँ, और थोड़ा बहुत शॉर्ट्स ले लेते हैं आपके लिए केबिन राइड मस्त वाला, ठीक है। होटल काफ़ी प्रीमियम है मामा यादव का, तो भाई कॉस्टली है अंदर जाए खाना वगैरह, तो सोचा बाहर से ही दिखा दो भाई। चलिए दोस्तों बस में थोड़ा बहुत आपको वॉशरूम दिखाते हैं, ऑन बोर्ड दिखाते हैं, ठीक है। देखिए वॉशरूम इसका ऐसे खुलेगा, बाकी आपको ये वॉशरूम मिरर मिलेगा इधर एक वॉशिंग और इधर वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम, ठीक है। आ चुके थे हमने लखनऊ में, और लखनऊ
और फेमस चलो कहता है उसका आइए भाई आप लखनऊ में ना भाई लखनऊ में आज गए थे सुबह लगभग 7 बजे और अभी लगभग यहाँ से और 3 घंटा लगेगा हमें 3 से 3.5 घंटा अयोध्या के लिए। लगभग 150 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से 150 या 140 किलोमीटर अपने लखनऊ से, ठीक है। तो इंजॉय कीजिए अयोध्या तक जर्नी हम लोग कर रहे हैं भाई यहाँ पर। और यूपी सरकार ने काफ़ी अच्छा ये कर दिया, रोड्स वे सारा अच्छा हो गया भाई अपने यूपी में, ठीक है। भैया देखिए भाई रॉन्ग साइड आते हैं भाई, देख लो कभी तो एक्सीडेंट होता है। पुलिस है देखो। और यहाँ से 117 किलोमीटर है भाई अपना अयोध्या। आज योग मोदी जी आने वाले भाई ट्रैवलर में, कोई नुकसान या क्षति के लिए इंटरसिटी जिम्मेदार नहीं होगा, धन्यवाद। तो भैया आ गए हम लोग श्री साई भोजनालय जो कि भाई बाराबंकी की तरफ पड़ता है। तो यहाँ अपनी वॉशरूम की मेंटेनेंस हो रही है भाई, मतलब क्लीनिंग वगैरह। तो भाई बाकी वॉशरूम भाई साहब आ चुके हैं इसके सेकंड हॉल्ट जो बाराबंकी की तरफ, और भाई गाड़ी थोड़ा और डिले हो गई है भाई बिकॉज़ क्योंकि मोदी जी की रैली भी थी अपने बाराबंकी के आसपास शायद से, और लगभग मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाएगा भाई। और अभी 9 बज चुका है और लगभग 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। लगभग 15 घंटे का जर्नी होगा हमारे यहाँ अपना लगभग 700 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। बस है मतलब 80 पे गाड़ी लॉक है, इसके लिए हम लोग नहीं जा पा रहे इतना अपने मैक्स परमिसिबल स्पीड पे। जैसे 80 पे लॉक है तो 80 पे भी नहीं लेके जा रहे भाई गाड़ी अपना, 75-76 तक चल रहा है गाड़ी। भाई साहब पैक्ड आइटम की पार्टी चल रही थी भाई थोड़ी बहुत नाश्ता के, इसमें जैसे देख सकते हो भाई अपना मक्का चुड़ा है, बकरवाड़ा खा रहे थे, बिस्किट खाया भाई और पानी। और काफ़ी गर्मी है भाई अभी लगभग 36-40 डिग्री होने आ गया, लगभग दोपहर में तो 44 डिग्री रहेगा भाई, देखते भाई क्या होता है। चलिए मिलते हैं अपने अयोध्या में। दोस्तों गाड़ी अयोध्या सिटी के अंदर एंटर कर चुकी है भाई, या बस भाई निकालते अपना सामान, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, और जो इंटरसिटी वाले आपको जो बस अच्छा लगा और या फिर जर्नी करना चाहते हो तो ये बस ले सकते हो। बाकी फेयर इसका 500 पड़ जाएगा और स्लीपर का लगभग 1200 से 1400, और डायनामिक चार्ज भी लगता होगा इसमें बिकॉज जैसे फेस्टिवल वगैरह में ज़्यादा बढ़ जाता होगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो यहाँ तक एक वीडियो पर लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, बाकी बस वीडियोस कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए कमेंट करके बताना। बाकी चलिए जय हिंद एंड जय श्री राम।